इस दुनिया में हर शख्स की शरीर की बनावट, रंग रूप और आकार बिल्कुल अलग होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों के शरीर में कुछ ऐसे क्वालिटीज़ होती है जिनके ज़रिए वो पूरे विश्व में फेमस हो जाते हैं। आज के समय में फेमस होने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं और ना जाने कितने तरीके की पब्लिसिटी स्टंट अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवान ने ये फेमस होने का वरदान दिया है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम पूरी दुनिया के कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में कोई ना कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर है। यदि आप सोच रहे हैं कि हम किसी तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि इन लोगों के नाम सबसे बड़े अंग होने के नाम दर्ज है। कहने का मतलब ये है कि इन सभी के शरीर में कोई ऐसे अंग है जो आम लोगों के मुकाबले ज़्यादा विशाल है। तो चलिए अपने आज के हमारे इस वीडियो में हम बताते हैं। दोस्तों, वीडियो में दिखाई दे रहा है ये जो शख्स, ये आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? इनकी नाक आपको काफ़ी बड़ी और लंबी नज़र आ रही होगी। इन जनाब का नाम है जैक्स और ये टार्के के रहने वाले हैं। जेंट्स के नाम दुनिया के सबसे लंबी नाक होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। उनकी नाक 9 सेंटीमीटर लंबी है। जेंट्स का कहना है, इस लंबी नाक का बहुत मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन उस समय ये बात नहीं जानते थे कि एक दिन वो अपनी लंबी नाक के कारण ये पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। आपको जानकर एक बात और हैरानी होगी कि जेम्स से जब वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने खुद सामने से संपर्क किया था, क्योंकि जेम्स नहीं जानते थे कि आखिर इस तरीके का भी कोई रिकॉर्ड होता है। तो इस तरीके के बिना कुछ किए ही जेम्स का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। नंबर 2, दोस्तों हम आपको बता दें, अक्सर महिलाएं हाथों को सुंदर बनाने के लिए अपने नाखून बढ़ाना पसंद करती है। कुछ महिलाओं पर बड़े नाखून सूट भी करते हैं और उन पर नेल आर्ट करा लिया जाए तो क्या ही कहना। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की एक ऐसी महिला और पुरुष से मिलाने वाले हैं जिनके नाम सबसे लंबे नाखून होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। इनके नाखूनों की लंबाई की बात करें तो एक समय पर ये 21 फीट लंबे हुआ करते थे। इस पुरुष का कहना है कि इन्होंने करीब 22 साल तक अपने नाखून नहीं काटे और वही महिला का कहना है कि इन्होंने आखिरी बार 30 वर्ष पहले अपने नाखून काटे थे। इन महिलाओं और पुरुष ने अपने अपने नाम सबसे लंबे नाखून होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो दर्ज करा लिया, लेकिन उसके बाद नाखूनों ने उनका साथ छोड़ दिया। दोस्तों, एक एक्सीडेंट के दौरान महिला के नाखून कट गए थे। हालांकि अच्छी बात यह है कि उस एक्सीडेंट में महिला को किसी प्रकार की चोट नहीं आई थी। वहीं पुरुष ने डॉक्टर्स के कहने पर अपने नाखून कटवाने का फैसला लिया था, क्योंकि लंबे नाखूनों के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी समस्याएं होनी शुरू हो गई थी। हालांकि इन दोनों ने अपने कटे हुए नाखून संभाल कर अपने पास ही रखे हुए हैं। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वो शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इस दुनिया में हर शख्स की शरीर की बनावट, रंग रूप और आकार बिल्कुल अलग होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों के शरीर में कुछ ऐसे क्वालिटीज़ होती है जिनके ज़रिए वो पूरे विश्व में फेमस हो जाते हैं। आज के समय में फेमस होने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं और ना जाने कितने तरीके की पब्लिसिटी स्टंट अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवान ने ये फेमस होने का वरदान दिया है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम पूरी दुनिया के कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में कोई ना कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर है। यदि आप सोच रहे हैं कि हम किसी तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि इन लोगों के नाम सबसे बड़े अंग होने के नाम दर्ज है। कहने का मतलब ये है कि इन सभी के शरीर में कोई ऐसे अंग है जो आम लोगों के मुकाबले ज़्यादा विशाल है। तो चलिए अपने आज के हमारे इस वीडियो में हम बताते हैं। अक्सर महिलाएं हाथों को सुंदर बनाने के लिए अपने नाखून बढ़ाना पसंद करती है। कुछ महिलाओं पर बड़े नाखून सूट भी करते हैं और उन पर नेल आर्ट करा लिया जाए तो क्या ही कहना।
दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की एक ऐसी महिला और पुरुष से मिलाने वाले हैं जिनके नाम सबसे लंबे नाखून होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। इनके नाखूनों की लंबाई की बात करें तो एक समय पर ये 21 फीट लंबे हुआ करते थे। इस पुरुष का कहना है कि इन्होंने करीब 22 साल तक अपने नाखून नहीं काटे, और वही महिला का कहना है कि इन्होंने आखिरी बार 30 वर्ष पहले अपने नाखून काटे थे। इन महिलाओं और पुरुष ने अपने अपने नाम सबसे लंबे नाखून होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो दर्ज करा लिया, लेकिन उसके बाद नाखूनों ने उनका साथ छोड़ दिया। दोस्तों, एक एक्सीडेंट के दौरान महिला के नाखून कट गए थे। हालांकि अच्छी बात यह है कि उस एक्सीडेंट में महिला को किसी प्रकार की चोट नहीं आई थी। वहीं पुरुष ने डॉक्टर्स के कहने पर अपने नाखून कटवाने का फैसला लिया था, क्योंकि लंबे नाखूनों के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी समस्याएं होनी शुरू हो गई थी। हालांकि इन दोनों ने अपने कटे हुए नाखून संभाल कर अपने पास ही रखे हुए हैं। दोस्तों, वीडियो में दिखाई दे रहा है ये जो शख्स, ये आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? इनकी नाक आपको काफ़ी बड़ी और लंबी नज़र आ रही होगी। इन जनाब का नाम है जैक्स और ये टार्के के रहने वाले हैं। जेंस के नाम दुनिया के सबसे लंबी नाक होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। उनकी नाक 9 सेंटीमीटर लंबी है। जेंस का कहना है, इस लंबी नाक का बहुत मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन उस समय ये बात नहीं जानते थे कि एक दिन वो अपनी लंबी नाक के कारण ये पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। आपको जानकर एक बात और हैरानी होगी कि जेम्स से जब वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने खुद सामने से संपर्क किया था, क्योंकि जेम्स नहीं जानते थे कि आखिर इस तरीके का भी कोई रिकॉर्ड होता है, तो इस तरीके के बिना कुछ किए ही जेम्स का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। हालांकि यदि आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं तो अगले शख्स का नाम सुनने से पहले आप अपने कान में ईयरफोन जरूर लगा लें। ये है इंग्लैंड के रहने वाले टॉमी और इनके नाम सबसे बड़ा प्राइवेट पार्ट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। दोस्तों, ये सुनकर आपके मन में भी जरूर उनके पार्ट का साइज जानने की इच्छा होगी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, टॉमी के प्राइवेट पार्ट की लंबाई 14 इंच है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 14 इंच। दोस्तों, शायद ही आपने किसी वीडियो में आज तक 10 इंच से ज्यादा प्राइवेट पार्ट देखा होगा। टॉमी के प्राइवेट पार्ट का खुलासा एक टीवी शो के दौरान हुआ था, और तभी उनके नाम सबसे लंबे प्राइवेट पार्ट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया। दोस्तों, उस शो का नाम और अन्य कंटेस्टेंट के बारे में तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, डॉक्टर्स के अनुसार एक महिला को रिलैक्स फील कराने के लिए 2 इंच लंबाई काफ़ी है। तो दोस्तों, इसीलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वो शेयर करना ना भूले। साथ ही में सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के 3rd क्लास जॉब्स के बारे में। आप सभी को बता दें, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जिसके डिक्शनरी में फ्रीडम शब्द का अता पता ही नहीं है, और डिक्शनरी में उनका कोई भी फ्रीडम शब्द से लेना देना नहीं है। यहाँ पर खुद की जॉब सेलेक्ट करना भी लोगों के हाथ में नहीं है। ये फ्रीडम भी नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट उनसे छीन लेती है। 16 साल की उम्र में ही इनको जॉब्स प्रोवाइड करा दिया जाता है और उनको असाइनमेंट दे दिया जाता है, और बिना कुछ कहे इनको नानुकुर किए ये जॉब करना ही पड़ता है। यहाँ पर शॉकिंग किंग जॉन भाई ट्रैफिक लाइट्स के लिए भी ट्रैफिक लेडीज से करेक्ट कर रखा है, क्योंकि हरियाली आखिर किसको पसंद। तो दोस्तों, और समय नहीं गंवाते हूँ और सीधा वीडियो के टाइटल पर आ जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे यूजलेस जॉब के बारे में बात करेंगे, और वो नॉर्थ कोरिया में एग्जिट करते हैं। नंबर 1, स्टोन लेडी। अब दोस्तों, क्या आपने कभी भी किसी को पत्थर पॉलिश करते हुए देखा है? जूता पॉलिश तो आपने ऑफकोर्स सुना होगा, लेकिन पत्थर पॉलिश ये क्या है? लेकिन नॉर्थ कोरिया के कुछ अलग ही तौर तरीके और मान्यता है, और हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता अगर ये वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। 2010 में इस लेडीज को रिपोर्टर के मुताबिक जब इनसे बातचीत किया गया, तो इन्होंने बताया कि ये एक जॉब करती है जो कि एक स्टोन पॉलिश का है। रोजी रोटी के लिए लोगों को ना जाने क्या क्या करना पड़ता है, और साथ ही नॉर्थ कोरिया ये भी नहीं चाहता है कि बाहर के लोगों को ये सच्चाई पता चले। तो दोस्तों, हम आपको बताते चले,
आजकल के दौर में अब लेडीज का दौर आ चुका है। नंबर टू, ट्रैफिक लेडीज। क्या दोस्तों आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में एक महीना का ख्वाब होता है ट्रैफिक पुलिस बनना, लेकिन इन लेडीज को खुद की जॉब किंग जॉन सेलेक्ट करके देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये काफी रिस्पेक्टेबल जॉब होती है अपने आप। और ये ट्रैफिक लेडीज के एक बार ड्रेसिंग सेंस की तरफ देख आप अपना आपा खुद ही खो दोगे। इतनी गॉर्जियस इनकी ट्रैफिक पुलिस होती है कि किंग जॉन इनमें से खुद सेलेक्ट करते हैं। जो सबसे ज्यादा परफेक्ट लेडीज होती है उन्हीं को ये जॉब प्रोवाइड करते हैं। अब फ्रेंड, शायद ये दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट करियर है जहाँ 26 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है। ये सवाल उठता है दोस्तों कि ये ट्रैफिक लेडीज आखिर कौन सी एज में जॉब शुरू करती है। वेल, 16 ईयर के एज में ये एलिविजुअल बन जाती है ट्रैफिक हैंडल करने के लिए, मतलब स्पोर्ट्स के लिए। अब ये बस 10 साल का स्मॉल करियर है। और आपको बताते चले कि खूबसूरत होने के साथ साथ 5 फुट 6 इंच की ये लेडीज होनी चाहिए। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये ट्रैफिक लेडीज का सिलेक्शन है या फिर होने वाली बहू का। ये जॉब सिर्फ 300 लेडीज ही हासिल कर पाती है, वो भी किंग जॉन उनकी मेहरबानी पर। जो भी है, ये काफी यूजलेस जॉब है, क्योंकि जब सड़क पर गाड़ियां ही नहीं होगी तो ट्रैफिक लेडीज किस काम की। इनफैक्ट इन्होंने ट्रैफिक लाइट्स को भी रिप्लेस कर दिया है। नंबर 3, हेयर ड्रेसर। जी हाँ दोस्तों, जब हम हेयर ड्रेसर की बात करते हैं तो नॉर्थ कोरिया की हेयर ड्रेसर, क्योंकि कस्टमर यहाँ पर सिर्फ अपने स्टाइल को लेकर डिमांडिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि भगवान सब देख रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में किंग जॉन की गवर्नमेंट सब देख रही है। यहाँ तक कि आपके हेयर स्टाइल से लेकर आपके बालों का लेंथ सब कुछ देखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ 28% हेयर स्टाइलिश अलाउड है, जहाँ 18 हेयर स्टाइलिश लेडीज के लिए और 10 मेल्स के लिए है। यानी कि लिटरली खुद के बालों पर ही खुद ही को लोगों का फ्रीडम नहीं है। इनके बालों के नियम वाकई काफ़ी ज़्यादा हटकर होने के साथ साथ सटके हुए भी होते हैं, जैसा कि सिर्फ अनमैरिड वुमेन यहाँ पर लंबे बाल रख सकती है। शादीशुदा औरत को यहाँ पर छोटे बाल रखना ही कंपलसरी है। और जब बात आती है नौजवानों की, तो उनके बाल सिर्फ 2 इंच लंबे होने चाहिए। और यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी ऐसे ही उनके रोल्स है, अगर उनके सर पर बाल है तो वो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। और सिर्फ यहाँ के हेयर स्टाइलर को कभी भी किंग जॉन उनके हेयर स्टाइल कॉपी करने का साहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद का उनका ट्रेडमार्क स्टाइल है। समझ लो, जिसने भी किंग जॉन के स्टाइल को कॉपी किया, समझ लो अगले दिन गया सीधा ऊपर। नंबर 4, राइस रिस्पेक्टेड। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किंग जॉन को सबसे खतरनाक बीमारी है, तो वो जॉन के पापा जो थे केम चोमची, ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोलिव थे। वो हर चीज़ के बारे में एकदम पर्टिकुलर थे, एक एक चीज़ से लेकर एक एक दाने की वो खबर रखते थे, यहाँ तक कि चावल के दानों को भी वो नहीं छोड़ते थे। ये बात हमें किंग जॉन के फादर से ही पता चला है कि वो खाने के बारे में बहुत ज़्यादा चूजी थे, खासकर तो चावल को लेकर, जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। जिसके बाद इस जॉब को भी प्रोवाइड किया गया। इस जॉब में आप चावल को बॉईल करने से पहले एक एक दाने अपने हाथों से रिस्पेक्ट करने होते थे। खराब और चिट दानों को अलग करके वो अच्छे दाने ही आगे कुक को पास करते थे। भला ऐसा भी कोई जॉब होता है, ये हमने कभी नहीं सुना। और ये हम बिल्कुल नहीं जानना चाहते कि क्या हुआ होगा उस इंस्पेक्टर का, अगर गलती से भी एक खराब चावल का दाना किंग जॉन के फादर के प्लेट में गई होगी तो। नंबर 5, एंटरटेनर्स। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों जब किंग जॉन की हो रही है तो हम आपको बताते चले कि इन्होंने एक और जॉब का निर्माण किया नॉर्थ कोरिया में, और वो था लाइफ ग्रुप एंटरटेनमेंट का, जहाँ सिर्फ खूबसूरत से खूबसूरत यंग लेडीज ही चुनी जाती थी। इनफैक्ट कैपिटल सिटी में भी एक हॉल होता था जहाँ पर किंग के आधार पर होता था, किसी भी वक्त इस शो को अनाउंस कर दिया जाता था अपने एलिगेंट
ट्रांसमूव और सिंगिंग से अपने सिंगिंग से ये सबको एंटरटेन करते थे। और जब किंग जॉन्ग के फादर यहाँ से चल बसे, इस जॉब को भी रिमूव कर दिया गया। और ठीक अपने पापा की नक्सली कदम पर चढ़ने वाले किंग जॉन्ग ने भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक ग्रुप एंटरटेनमेंट रखा था। वेल दोस्तों, हम आपको क्या कहना ये परफेक्ट होगा कि जैसा बाप वैसा बेटा, नंबर 6। दोस्तों, यहाँ पर इंस्पायर के हेयर ड्रेसेस से भी ज़्यादा बोरिंग और काफ़ी हद तक लिमिटेड भी है स्कोपी। और लिमिटेड से मतलब है हमारे सिर्फ 3 स्टैचूज। यहाँ सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 तरीके के स्टैचूज बना सकते हैं, और ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 3 कोई और नहीं बल्कि 3 प्रिंस है, खुद किंग जॉन्ग, किम जॉन्ग। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 3 स्टैटूज बनाकर ये अपना रोजी रोटी चलाते होंगे, राइट? पर हम आपको बता दें, इनकी रोजी रोटी काफ़ी अच्छी चलती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में टोटल 34,000 स्टैचूज है, जो कि सिर्फ इन्हीं के लीडर्स की। शौक जहाँ किंग है वहाँ पर ये सब कुछ पॉसिबल है। और जब ये लोग इन स्टैचू से गुजरते हैं तो उन्हें कंपलसरी 3 बार स्टैचूज को वो करना ही पड़ता है। अपने लीडर के स्टैचूज की रिस्पेक्ट इनको करनी ही होती है, यहाँ तक कि टूरिस्ट को भी वो करना पड़ता है, नहीं करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं कि नॉर्थ कोरिया में आए हुए टूरिस्ट को सिर्फ एक ही फ्रीडम मिलती है, और वो है कि टूरिस्ट इन स्टैचूज का पिक्चर ले सकते हैं। हाउ नाइस। बट अगर गलती से भी किंग जॉन के फीट क्रॉस हो जाए तो आप अपने शरीर से क्रॉप हो, यानी कि पूरा स्टैचू आपको अच्छे से दिखना चाहिए आपके पिक्चर में, वरना अगले दिन आप कहीं नहीं दिखोगे। नंबर 7, फैशन पुलिस। दोस्तों, क्या आपने फैशन पुलिस के बारे में सुना है? ये वही फैशन शो में नहीं बल्कि मॉडल्स नहीं बल्कि एक रियल पुलिस है, जो नॉर्मल पुलिस से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। दरअसल नॉर्थ कोरिया में फैशन को लेकर एक डिसिप्लिन रखा गया है। ये पब्लिक प्लेस में कभी भी जाते हैं और रूल ब्रेकर्स को पकड़ते हैं, लोगों के कपड़ों से लेकर उनके हेयर स्टाइल्स सब पर ये फैशन पुलिस अपनी निगरानी बनाए रखते हैं। इनफैक्ट तो अपने बालों के साथ साथ कपड़ों में भी नो वेस्टर्न, थोड़ा सा भी वेस्टर्न इंस्पायर्स मतलब नॉर्थ कोरियन यानी कि अगेंस्ट रूल्स, जो भी रूल्स तोड़ता है उसे सीधा लेबर कैंप्स पर लिया जाता है, जहां उनके लाइफ किसी जहन्नुम से कम नहीं होती है। तो आखिरकार इनके ड्रेसिंग सेंस क्या है? यहां पर तो जीन्स टोटली बैन है, और लेडीज़ को तो ट्राउज़र भी अलाउड नहीं है, तो आखिर अलाउड क्या है? यहाँ पर पहनते क्या है लोग? वेल, यहाँ के लोग अपने ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, आर्मी कॉस्ट्यूम, स्कर्ट और स्लैक्स में ही नज़र आते हैं। और फ्रेंड, देखा जाए तो ये फैशन पुलिस की तरफ से कॉम्प्लेक्स की तरफ से आंटियों की याद दिलाती है, जो सबके हेयर स्टाइल्स को ताड़ती रहती है। तो दोस्तों, ये रहे हमारे नॉर्थ कोरिया के यूजलेस जॉब्स के बारे में। ऐसे जॉब्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, ट्रैफिक लेडीज, पुलिस, राइस इंस्पेक्टरल, स्टोन पॉलिस जैसे जॉब्स आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलेंगे। और हमें इस बात का गर्व है कि हम भारत देश से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सबको काफ़ी फ्रीडम है, ऐसे फ्रीडम जिसकी कल्पना नॉर्थ कोरिया कभी कर ही नहीं सकती है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बारे में अगर हम बात करें तो हम आपको बता दें कि ऐसा देश जो किसी और चीज़ के लिए फेमस हो या फिर ना हो, लेकिन वो अपने अजीबोगरीब नियम और कानून के वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि यहाँ का शाना ताए है, जिसे हर एक चीज़ अपने हिसाब से करने की एक अलग ही लत लगी हुई है। अब जाहिर सी बात है, जो इंसान अपने देश को इतने सारे नियम कानून लगाता है वो अपनी बीबी को तो छोड़ेगा नहीं, और यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किंग जॉन को
बहुत सारे रूल्स ऐसे फॉलो करने पड़ते हैं जिसके बारे में कोई साधारण महिला सोच भी नहीं सकती है। तो वो नियम क्या है और किस तरीके की पाबंदियां किंग जोंग ने अपनी बीबी को दिया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे चलने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियोस मिस ना हो। दोस्तों, वैसे तो शादी के बाद महिला का अपना सरनेम चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि कई सारी महिलाएं ऐसे करती भी नहीं है। लेकिन जब बात एक नशाई की आती है तो हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर सिर्फ सरनेम ही नहीं बल्कि री सिलजो का पूरा नाम ही बदल दिया गया था और यहाँ पर किसी को नहीं पता था कि इनका पहला नाम क्या था। और इस बात को रहस्य रखने के लिए किंग जोंग ने अपनी बीबी का सारा पुराना डेटा यहाँ से मिटा दिया है या फिर अपने पास रख लिया है ताकि दुनिया उनको किंग की बीबी और इस सरजू के नाम से जाने। किंग बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि वो कोई उनकी बीबी की शादी से पहले वाली जिंदगी से उनके बारे में बात करें। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों को ये तक नहीं पता है कि किंग की बीबी का घर कहाँ था, वो शादी से पहले क्या करती थी, यानी कि किंग ने अपनी बीबी की पुरानी जिंदगी इतिहास के पन्नों से फाड़ कर फेंक दिया है। प्रेगनेंसी, दोस्तों हमारे देश में जब भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी के यहाँ से प्रेगनेंसी की न्यूज आती है तब उसके घर में सबको पता चल ही जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर सबको पता चल जाता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में ऐसा कोई भी हिसाब किताब नहीं है, वहाँ पर री सुरजू को अधिक से अधिक लोगों के नजरों से दूर रखा जाता था। जी हाँ दोस्तों, खासकर तो प्रेगनेंसी के टाइम पर, इसीलिए किसी को इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं है कि री सुरजू कितनी बार प्रेगनेंट हुई है, यहाँ तक कि उनके कितने बच्चे हैं ये भी किसी को नहीं पता। तभी तो लोगों को सिर्फ इसी बात का शक है कि किंग उनके वाइफ की एक बेटी है जिनका नाम जुए है। इसके अलावा भी दो और बच्चे होने की बात कही जाती है, लेकिन दोस्तों उनके नाम और जेंडर के बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है। तो आज के हमारी ये वीडियो सिर्फ यहीं तक थी। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के थर्ड क्लास जॉब्स के बारे में। आप सभी को बता दें, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जिसके डिक्शनरी में फ्रीडम शब्द का अता पता ही नहीं है और डिक्शनरी में उनका कोई भी फ्रीडम शब्द से लेना देना नहीं है, यहाँ पर खुद की जॉब सेलेक्ट करना भी लोगों के हाथ में नहीं है, ये फ्रीडम भी नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट उनसे छीन लेती है। 16 साल की उम्र में ही इनको जॉब्स प्रोवाइड करा दिया जाता है और उनको असाइनमेंट दे दिया जाता है और बिना कुछ कहे इनको नानुकुर किए ये जॉब करना ही पड़ता है। यहाँ पर शॉकिंग किंग जॉन भाई ट्रैफिक लाइट्स के लिए भी ट्रैफिक लेडीज से करेक्ट कर रखा है क्योंकि हरियाली आखिर किसको पसंद। तो दोस्तों, और समय नहीं गंवाते हूँ और सीधा वीडियो के टाइटल पर आ जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे यूजलेस जॉब के बारे में बात करेंगे और वो नॉर्थ कोरिया में एग्जिट करते हैं। नंबर 1, स्टोन लेडी। अब दोस्तों, क्या आपने कभी भी किसी को पत्थर पॉलिश करते हुए देखा है? जूता पॉलिश तो आपने ऑफ कोर्स सुना होगा, लेकिन पत्थर पॉलिश ये क्या है? लेकिन नॉर्थ कोरिया के कुछ अलग ही तौर तरीके और मान्यता है और हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता अगर ये वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। 2010 में इस लेडीज को रिपोर्टर के मुताबिक जब इनसे बातचीत किया गया तो इन्होंने बताया कि ये एक जॉब करती है जो कि एक स्टोन पॉलिश का है। रोजी रोटी के लिए लोगों को ना जाने क्या क्या करना पड़ता है और साथ ही नॉर्थ कोरिया ये भी नहीं चाहता है कि बाहर के लोगों को ये सच्चाई पता चले। तो दोस्तों, हम आपको बताते चले, आजकल के दौर में अब लेडीज का दौर आ चुका है। नंबर 2, ट्रैफिक लेडीज। क्या दोस्तों आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में एक महिला का ख्वाब होता है ट्रैफिक पुलिस बनना, लेकिन इन लेडीज को खुद की जॉब किंग जॉन सेलेक्ट करके देते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये काफी रिस्पेक्टेबल जॉब होती है अपने आप। और ये ट्रैफिक लेडीज के एक बार ड्रेसिंग सेंस की तरफ देख आप अपना आपा खुद ही खो दोगे, इतनी गॉर्जियस इनकी ट्रैफिक पुलिस होती है कि किंग जॉन इनमें से खुद सेलेक्ट करते हैं, जो सबसे ज्यादा परफेक्ट लेडीज होती है उन्हीं को ये जॉब प्रोवाइड करते हैं।
अब फ्रेंड शायद ही ये दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट करियर है जहाँ 26 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है। ये सवाल उठता है दोस्तों कि ये ट्रैफिक लेडीज आखिर कौन सी एज में जॉब शुरू करती है। वेल 16 ईयर के एज में ये एलिविजुअल बन जाती है ट्रैफिक हैंडल करने के लिए, मतलब स्पोर्ट्स के लिए। अब ये बस 10 साल का स्मॉल करियर है। और आपको बताते चले कि खूबसूरत होने के साथ साथ 5'6" की ये लेडीज होनी चाहिए। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये ट्रैफिक लेडीज का सिलेक्शन है या फिर होने वाली बहू का। ये जॉब सिर्फ 300 लेडीज ही हासिल कर पाती है, वो भी किंग जॉन उनकी मेहरबानी पर। पर जो भी है ये काफ़ी यूजलेस जॉब है, क्योंकि जब सड़क पर गाड़ियां ही नहीं होगी तो ट्रैफिक लेडीज किस काम की। इनफैक्ट इन्होंने ट्रैफिक लाइट्स को भी रिप्लेस कर दिया है। नंबर 3 हेयर ड्रेसर। जी हाँ दोस्तों, जब हम हेयर ड्रेसर की बात करते हैं तो नॉर्थ कोरिया के हेयर ड्रेसर, क्योंकि कस्टमर यहाँ पर सिर्फ अपने स्टाइल को लेकर डिमांडिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि भगवान सब देख रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में किंग जॉन की गवर्नमेंट सब देख रही है। यहाँ तक कि आपके हेयर स्टाइल से लेकर आपके बालों का लेंथ सब कुछ देखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ 28% हेयर स्टाइलिश अलाउड है, जहाँ 18 हेयर स्टाइलिश लेडीज़ के लिए और 10 मेल्स के लिए है। यानी कि लिटरली खुद के बालों पर ही खुद ही को लोगों का फ्रीडम नहीं है। इनके बालों के नियम वाकई काफ़ी ज़्यादा हटकर होने के साथ साथ सटके हुए भी होते हैं, जैसा कि सिर्फ अनमैरिड वुमेन यहाँ पर लंबे बाल रख सकती है। शादीशुदा औरत को यहाँ पर छोटे बाल रखना ही कंपलसरी है। और जब बात आती है नौजवानों की, तो उनके बाल सिर्फ 2 इंच लंबे होने चाहिए। और यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी ऐसे ही उनके रूल्स है, अगर उनके सर पर बाल है तो वो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। और सिर्फ यहाँ के हेयर स्टाइलर को कभी भी किंग जॉन उनके हेयर स्टाइल कॉपी करने का साहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद का उनका ट्रेडमार्क स्टाइल है। समझ लो जिसने भी किंग जॉन के स्टाइल को कॉपी किया, समझ लो अगले दिन गया सीधा ऊपर। नंबर 4 राइस रिस्पेक्टेड। दोस्तों अगर आपको लगता है कि किंग जॉन को सबसे खतरनाक बीमारी है, तो वो जॉन के पापा जो थे केम चोमची, ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोलिव थे। वो हर चीज़ के बारे में एकदम पर्टिकुलर थे, एक एक चीज़ से लेकर एक एक दाने की वो खबर रखते थे, यहाँ तक कि चावल के दानों को भी वो नहीं छोड़ते थे। ये बात हमें किंग जॉन के फादर से ही पता चला है कि वो खाने के बारे में बहुत ज़्यादा चूजी थे, खासकर तो चावल को लेकर, जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। जिसके बाद इस जॉब को भी प्रोवाइड किया गया। इस जॉब में आप चावल को बॉईल करने से पहले एक एक दाने अपने हाथों से रिस्पेक्ट करने होते थे। खराब और चिट दानों को अलग करके वो अच्छे दाने ही आगे कुक को पास करते थे। भला ऐसा भी कोई जॉब होता है, ये हमने कभी नहीं सुना। और ये हम बिल्कुल नहीं जानना चाहते कि क्या हुआ होगा उस इंस्पेक्टर का अगर गलती से भी एक खराब चावल का दाना किंग जॉन के फादर के प्लेट में गई होगी। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के 3rd class जॉब्स के बारे में। आप सभी को बता दें, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जिसके डिक्शनरी में फ्रीडम शब्द का अता पता ही नहीं है और डिक्शनरी में उनका कोई भी फ्रीडम शब्द से लेना देना नहीं है, यहाँ पर खुद की जॉब सेलेक्ट करना भी लोगों के हाथ में नहीं है, ये फ्रीडम भी नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट उनसे छीन लेती है। 16 साल की उम्र में ही इनको जॉब्स प्रोवाइड करा दिया जाता है और उनको असाइनमेंट दे दिया जाता है, और बिना कुछ कहे इनको नानुकुर किए ये जॉब करना ही पड़ता है। यहाँ पर शॉकिंग किंग जॉन भाई ट्रैफिक लाइट्स के लिए भी ट्रैफिक लेडीज से करेक्ट कर रखा है, क्योंकि हरियाली आखिर किसको पसंद। तो दोस्तों और समय नहीं गंवाते हूँ और सीधा वीडियो के टाइटल पर आ जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे यूजलेस जॉब के बारे में बात करेंगे और वो नॉर्थ कोरिया में एग्जिट करते हैं। नंबर 1
स्टोन लेडी। अब दोस्तों, क्या आपने कभी भी किसी को पत्थर पॉलिश करते हुए देखा है? जूता पॉलिश तो आपने ऑफ कोर्स सुना होगा, लेकिन पत्थर पॉलिश ये क्या है? लेकिन नॉर्थ कोरिया के कुछ अलग ही तौर तरीके और मान्यता है, और हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता अगर ये वीडियो अपलोड नहीं हुआ था 2010 में। इस लेडीज को रिपोर्टर के मुताबिक जब इनसे बातचीत किया गया तो इन्होंने बताया कि ये एक जॉब करती है जो कि एक स्टोन पॉलिश का है। रोजी रोटी के लिए लोगों को ना जाने क्या क्या करना पड़ता है, और साथ ही नॉर्थ कोरिया ये भी नहीं चाहता है कि बाहर के लोगों को ये सच्चाई पता चले। तो दोस्तों, हम आपको बताते चले, आजकल के दौर में अब लेडीज का दौर आ चुका है नंबर 2 ट्रैफिक लेडीज। क्या दोस्तों आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में एक महिला का ख्वाब होता है ट्रैफिक पुलिस बनना, लेकिन इन लेडीज को खुद की जॉब किंग जॉन सेलेक्ट करके देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये काफी रिस्पेक्टेबल जॉब होती है अपने आप। और ये ट्रैफिक लेडीज के एक बार ड्रेसिंग सेंस की तरफ देख आप अपना आपा खुद ही खो दोगे, इतनी गॉर्जियस इनकी ट्रैफिक पुलिस होती है कि किंग जॉन इनमें से खुद सेलेक्ट करते हैं। जो सबसे ज्यादा परफेक्ट लेडीज होती है उन्हीं को ये जॉब प्रोवाइड करते हैं। अब फ्रेंड, शायद ये दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट करियर है जहाँ 26 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है। ये सवाल उठता है दोस्तों कि ये ट्रैफिक लेडीज आखिर कौन सी एज में जॉब शुरू करती है? वेल, 16 ईयर के एज में ये एलिविजुअल बन जाती है ट्रैफिक हैंडल करने के लिए, मतलब स्पोर्ट्स के लिए। अब ये बस 10 साल का स्मॉल करियर है, और आपको बताते चले कि खूबसूरत होने के साथ साथ 5'6" की ये लेडीज होनी चाहिए। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये ट्रैफिक लेडीज का सिलेक्शन है या फिर होने वाली बहू का। ये जॉब सिर्फ 300 लेडीज ही हासिल कर पाती है, वो भी किंग जॉन उनकी मेहरबानी पर। जो भी है, ये काफी यूजलेस जॉब है, क्योंकि जब सड़क पर गाड़ियां ही नहीं होगी तो ट्रैफिक लेडीज किस काम की। इनफैक्ट इन्होंने ट्रैफिक लाइट्स को भी रिप्लेस कर दिया है। नंबर 3 हेयर ड्रेसर। जी हाँ दोस्तों, जब हम हेयर ड्रेसर की बात करते हैं तो नॉर्थ कोरिया के हेयर ड्रेसर, क्योंकि कस्टमर यहाँ पर सिर्फ अपने स्टाइल को लेकर डिमांडिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, और कहते हैं ना कि भगवान सब देख रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में किंग जॉन की गवर्नमेंट सब देख रही है, यहाँ तक कि आपके हेयर स्टाइल से लेकर आपके बालों का लेंथ सब कुछ देखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ 28% हेयर स्टाइलिश अलाउड है, जहाँ 18 हेयर स्टाइलिश लेडीज के लिए और 10 मेल्स के लिए है, यानी कि लिटरली खुद के बालों पर ही खुद ही को लोगों का फ्रीडम नहीं है। इनके बालों के नियम वाकई काफ़ी ज़्यादा हटकर होने के साथ साथ सटके हुए भी होते हैं, जैसा कि सिर्फ अनमैरिड वुमेन यहाँ पर लंबे बाल रख सकती है, शादीशुदा औरत को यहाँ पर छोटे बाल रखना ही कंपलसरी है। और जब बात आती है नौजवानों की, तो उनके बाल सिर्फ 2 इंच लंबे होने चाहिए, और यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी ऐसे ही उनके रोल्स है, अगर उनके सर पर बाल है तो वो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। और सिर्फ यहाँ के हेयर स्टाइलर को कभी भी किंग जॉन उनके हेयर स्टाइल कॉपी करने का साहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद का उनका ट्रेडमार्क स्टाइल है। समझ लो, जिसने भी किंग जॉन के स्टाइल को कॉपी किया, समझ लो अगले दिन गया सीधा ऊपर। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के 3rd-class जॉब्स के बारे में। आप सभी को बता दें, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जिसके डिक्शनरी में फ्रीडम शब्द का अता पता ही नहीं है, और डिक्शनरी में उनका कोई भी फ्रीडम शब्द से लेना देना नहीं है, यहाँ पर खुद की जॉब सिलेक्ट करना भी लोगों के हाथ में नहीं है, ये फ्रीडम भी नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट उनसे छीन लेती है। 16 साल की उम्र में ही इनको जॉब्स प्रोवाइड करा दिया जाता है और उनको असाइनमेंट दे दिया जाता है, और बिना कुछ कहे इनको नानुकुर किए ये जॉब करना ही पड़ता है। यहाँ पर शॉकिंग किंग जॉन भाई ट्रैफिक लाइट्स के लिए भी ट्रैफिक लेडीज से करेक्ट कर रखा है, क्योंकि हरियाली आखिर किसको पसंद। तो दोस्तों, और समय नहीं गंवाते हूँ और सीधा वीडियो के टाइटल पर आ जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे यूजलेस जॉब के बारे में बात करेंगे,
और वो नॉर्थ कोरिया में एग्जिट करते हैं। नंबर 1, स्टोन लेडी। अब दोस्तों, क्या आपने कभी भी किसी को पत्थर पॉलिश करते हुए देखा है? जूता पॉलिश तो आपने ऑफ कोर्स सुना होगा, लेकिन पत्थर पॉलिश ये क्या है? लेकिन नॉर्थ कोरिया के कुछ अलग ही तौर तरीके और मान्यता है, और हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता अगर ये वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। 2010 में इस लेडीज को रिपोर्टर के मुताबिक जब इनसे बातचीत किया गया तो इन्होंने बताया कि ये एक जॉब करती है जो कि एक स्टोन पॉलिश का है। रोजी रोटी के लिए लोगों को ना जाने क्या क्या करना पड़ता है, और साथ ही नॉर्थ कोरिया ये भी नहीं चाहता है कि बाहर के लोगों को ये सच्चाई पता चले। तो दोस्तों, हम आपको बताते चले, आजकल के दौर में अब लेडीज का दौर आ चुका है। नंबर 2, ट्रैफिक लेडीज। क्या दोस्तों आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में एक महिला का ख्वाब होता है ट्रैफिक पुलिस बनना, लेकिन इन लेडीज को खुद की जॉब किंग जॉन सेलेक्ट करके देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये काफी रिस्पेक्टेबल जॉब होती है अपने आप। और ये ट्रैफिक लेडीज के एक बार ड्रेसिंग सेंस की तरफ देख आप अपना आपा खुद ही खो दोगे। इतनी गॉर्जियस इनकी ट्रैफिक पुलिस होती है कि किंग जॉन इनमें से खुद सेलेक्ट करते हैं। जो सबसे ज्यादा परफेक्ट लेडीज होती है उन्हीं को ये जॉब प्रोवाइड करते हैं। अब फ्रेंड, शायद ये दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट करियर है जहां 26 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है। ये सवाल उठता है दोस्तों कि ये ट्रैफिक लेडीज आखिर कौन सी एज में जॉब शुरू करती है? वेल, 16 ईयर के एज में ये एलिविजुअल बन जाती है ट्रैफिक हैंडल करने के लिए, मतलब स्पोर्ट्स के लिए। अब ये बस 10 साल का स्मॉल करियर है। और आपको बताते चले कि खूबसूरत होने के साथ साथ 5'6" की ये लेडीज होनी चाहिए। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये ट्रैफिक लेडीज का सिलेक्शन है या फिर होने वाली बहू का। ये जॉब सिर्फ 300 लेडीज ही हासिल कर पाती है, वो भी किंग जॉन उनकी मेहरबानी पर। पर जो भी है, ये काफी यूजलेस जॉब है, क्योंकि जब सड़क पर गाड़ियां ही नहीं होगी तो ट्रैफिक लेडीज किस काम की। इनफैक्ट इन्होंने ट्रैफिक लाइट्स को भी रिप्लेस कर दिया है। नंबर 3, हेयर ड्रेसर। जी हाँ दोस्तों, जब हम हेयर ड्रेसर की बात करते हैं तो नॉर्थ कोरिया के हेयर ड्रेसर, क्योंकि कस्टमर यहाँ पर सिर्फ अपने स्टाइल को लेकर डिमांडिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि भगवान सब देख रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में किंग जॉन की गवर्नमेंट सब देख रही है। यहाँ तक कि आपके हेयर स्टाइल से लेकर आपके बालों का लेंथ सब कुछ देखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ 28% हेयर स्टाइलिश अलाउड है, जहाँ 18 हेयर स्टाइलिश लेडीज के लिए और 10 मेल्स के लिए है। यानी कि लिटरली खुद के बालों पर ही खुद ही को लोगों का फ्रीडम नहीं है। इनके बालों के नियम वाकई काफ़ी ज़्यादा हटकर होने के साथ साथ सटके हुए भी होते हैं, जैसा कि सिर्फ अनमैरिड वुमेन यहाँ पर लंबे बाल रख सकती है। शादीशुदा औरत को यहाँ पर छोटे बाल रखना ही कंपलसरी है। और जब बात आती है नौजवानों की, तो उनके बाल सिर्फ 2 इंच लंबे होने चाहिए। और यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी ऐसे ही उनके रूल्स है, अगर उनके सर पर बाल है तो वो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। और सिर्फ यहाँ के हेयर स्टाइलर को कभी भी किंग जॉन उनके हेयर स्टाइल कॉपी करने का साहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद का उनका ट्रेडमार्क स्टाइल है। समझ लो, जिसने भी किंग जॉन के स्टाइल को कॉपी किया, समझ लो अगले दिन गया सीधा ऊपर। नंबर 4, राइस रिस्पेक्टेड। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किंग जॉन को सबसे खतरनाक बीमारी है, तो किंग जॉन के पापा जो थे केम चोमची, ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोलिव थे। वो हर चीज़ के बारे में एकदम पर्टिकुलर थे, एक एक चीज़ से लेकर एक एक दाने की वो खबर रखते थे। यहाँ तक कि चावल के दानों को भी वो नहीं छोड़ते थे। ये बात हमें किंग जॉन के फादर से ही पता चला है कि वो खाने के बारे में बहुत ज़्यादा चूजी थे, खासकर तो चावल को लेकर, जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। जिसके बाद इस जॉब को भी प्रोवाइड किया गया। इस जॉब में आप चावल को बॉईल करने से पहले एक एक दाने अपने हाथों से रिस्पेक्ट करने होते थे। खराब और चिट दानों को अलग करके वो अच्छे दाने ही आगे कुक को पास करते थे। भला ऐसा भी कोई जॉब होता है, ये हमने कभी नहीं सुना। और ये हम बिल्कुल नहीं जानना चाहते कि क्या हुआ होगा उस इंस्पेक्टर का, अगर गलती से भी एक खराब चावल का दाना किंग जॉन के फादर के प्लेट में गई होगी तो।
नंबर 5 एंटरटेनर्स। जी हाँ दोस्तों, वेल दोस्तों जब किंग जॉन की हो रही है तो हम आपको बताते चले कि इन्होंने एक और जॉब का निर्माण किया नॉर्थ कोरिया में, और वो था लाइफ ग्रुप एंटरटेनमेंट का, जहाँ सिर्फ खूबसूरत से खूबसूरत यंग लेडीज ही चुनी जाती थी। इनफैक्ट कैपिटल सिटी में भी एक हॉल होता था जहाँ पर किंग के आधार पर होता था, किसी भी वक्त इस शो को अनाउंस कर दिया जाता था अपने एलिगेंट ट्रांस मूव और सिंगिंग से, अपने सिंगिंग से ये सबको एंटरटेन करते थे। और जब किंग जॉन्ग के फादर यहाँ से चल बसे, इस जॉब को भी रिमूव कर दिया गया। और ठीक अपने पापा की नक्सली कदम पर चलने वाले किंग जॉन्ग ने भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक ग्रुप एंटरटेनमेंट रखा था। वेल दोस्तों, हम आपको क्या कहें, कहना ये परफेक्ट होगा कि जैसा बाप वैसा बेट। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के थर्ड क्लास जॉब्स के बारे में। आप सभी को बता दें, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जिसके डिक्शनरी में फ्रीडम शब्द का अता पता ही नहीं है, और डिक्शनरी में उनका कोई भी फ्रीडम शब्द से लेना देना नहीं है, यहाँ पर खुद की जॉब सिलेक्ट करना भी लोगों के हाथ में नहीं है, ये फ्रीडम भी नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट उनसे छीन लेती है। 16 साल की उम्र में ही इनको जॉब्स प्रोवाइड करा दिया जाता है और उनको असाइनमेंट दे दिया जाता है, और बिना कुछ कहे इनको नानुकुर किए ये जॉब करना ही पड़ता है। यहाँ पर शॉकिंग किंग जॉन भाई ट्रैफिक लाइट्स के लिए भी ट्रैफिक लेडीज से करेक्ट कर रखा है, क्योंकि हरियाली आखिर किसको पसंद। तो दोस्तों, और समय नहीं गंवाते हूँ और सीधा वीडियो के टाइटल पर आ जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे यूजलेस जॉब के बारे में बात करेंगे और वो नॉर्थ कोरिया में एग्जिट करते हैं। नंबर 1, स्टोन लेडी। अब दोस्तों, क्या आपने कभी भी किसी को पत्थर पॉलिश करते हुए देखा है? जूता पॉलिश तो आपने ऑफ कोर्स सुना होगा, लेकिन पत्थर पॉलिश ये क्या है? लेकिन नॉर्थ कोरिया के कुछ अलग ही तौर तरीके और मान्यता है, और हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता अगर ये वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। 2010 में इस लेडीज को, इस रिपोर्टर के मुताबिक जब इनसे बातचीत किया गया तो इन्होंने बताया कि ये एक जॉब करती है जो कि एक स्टोन पॉलिश का है। रोजी रोटी के लिए लोगों को ना जाने क्या क्या करना पड़ता है, और साथ ही नॉर्थ कोरिया ये भी नहीं चाहता है कि बाहर के लोगों को ये सच्चाई पता चले। तो दोस्तों, हम आपको बताते चले, आजकल के दौर में अब लेडीज का दौर आ चुका है। नंबर 2, ट्रैफिक लेडीज। क्या दोस्तों आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में एक महीना का ख्वाब होता है ट्रैफिक पुलिस बनना, लेकिन इन लेडीज को खुद की जॉब किंग जॉन सेलेक्ट करके देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये काफी रिस्पेक्टेबल जॉब होती है अपने आप। और ये ट्रैफिक लेडीज के एक बार ड्रेसिंग सेंस की तरफ देख आप अपना आपा खुद ही खो दोगे, इतनी गॉर्जियस इनकी ट्रैफिक पुलिस होती है कि किंग जॉन इनमें से खुद सेलेक्ट करते हैं, जो सबसे ज्यादा परफेक्ट लेडीज होती है उन्हीं को ये जॉब प्रोवाइड करते हैं। अब फ्रेंड, शायद ये दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट करियर है, जहाँ 26 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है। ये सवाल उठता है दोस्तों कि ये ट्रैफिक लेडीज आखिर कौन सी एज में जॉब शुरू करती है? वेल, 16 ईयर के एज में ये एलिविजुअल बन जाती है ट्रैफिक हैंडल करने के लिए, मतलब स्पोर्ट्स के लिए। अब ये बस 10 साल का स्मॉल करियर है, और आपको बताते चले कि खूबसूरत होने के साथ साथ 5'6" की ये लेडीज होनी चाहिए। अब हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये ट्रैफिक लेडीज का सिलेक्शन है या फिर होने वाली बहू का। ये जॉब सिर्फ 300 लेडीज ही हासिल कर पाती है, वो भी किंग जॉन उनकी मेहरबानी पर। पर जो भी है, ये काफ़ी यूजलेस जॉब है, क्योंकि जब सड़क पर गाड़ियां ही नहीं होगी तो ट्रैफिक लेडीज किस काम की। इनफैक्ट इन्होंने ट्रैफिक लाइट्स को भी रिप्लेस कर दिया है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज पाने के लिए। थैंक यू फॉर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के
थर्ड क्लास जॉब्स के बारे में। आप सभी को बता दें, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जिसके डिक्शनरी में फ्रीडम शब्द का अता पता ही नहीं है और डिक्शनरी में उनका कोई भी फ्रीडम शब्द से लेना देना नहीं है, यहाँ पर खुद की जॉब सेलेक्ट करना भी लोगों के हाथ में नहीं है, ये फ्रीडम भी नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट उनसे छीन लेती है। 16 साल की उम्र में ही इनको जॉब्स प्रोवाइड करा दिया जाता है और उनको असाइनमेंट दे दिया जाता है और बिना कुछ कहे इनको नानुकुर किए ये जॉब करना ही पड़ता है। यहाँ पर शॉकिंग किंग जॉन भाई ट्रैफिक लाइट्स के लिए भी ट्रैफिक लेडीज से करेक्ट कर रखा है, क्योंकि हरियाली आखिर किसको पसंद। तो दोस्तों, और समय नहीं गंवाते हूँ और सीधा वीडियो के टाइटल पर आ जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे यूजलेस जॉब के बारे में बात करेंगे और वो नॉर्थ कोरिया में एग्जिट करते हैं। नंबर 1, स्टोन लेडी। अब दोस्तों, क्या आपने कभी भी किसी को पत्थर पॉलिश करते हुए देखा है? जूता पॉलिश तो आपने ऑफ कोर्स सुना होगा, लेकिन पत्थर पॉलिश ये क्या है? लेकिन नॉर्थ कोरिया के कुछ अलग ही तौर तरीके और मान्यता है और हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता अगर ये वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। 2010 में इस लेडीज को रिपोर्टर के मुताबिक जब इनसे बातचीत किया गया तो इन्होंने बताया कि ये एक जॉब करती है जो कि एक स्टोन पॉलिश का है। रोजी रोटी के लिए लोगों को ना जाने क्या क्या करना पड़ता है, और साथ ही नॉर्थ कोरिया ये भी नहीं चाहता है कि बाहर के लोगों को ये सच्चाई पता चले। तो दोस्तों, हम आपको बताते चले, आजकल के दौर में अब लेडीज़ का दौर आ चुका है। 2, ट्रैफिक लेडीज़। क्या दोस्तों आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में एक महीना का ख्वाब होता है ट्रैफिक पुलिस बनना, लेकिन इन लेडीज़ को खुद की जॉब किंग जॉन सेलेक्ट करके देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये काफ़ी रिस्पेक्टेबल जॉब होती है अपने आप। और ये ट्रैफिक लेडीज़ के एक बार ड्रेसिंग सेंस की तरफ देख आप अपना आपा खुद ही खोदोगे, इतनी गॉर्जियस इनकी ट्रैफिक पुलिस होती है कि किंग जॉन इनमें से खुद सेलेक्ट करते हैं, जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट लेडीज होती हैं उन्हीं को ये जॉब प्रोवाइड करते हैं। अब फ्रेंड, शायद ये दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट करियर है जहाँ 26 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है। ये सवाल उठता है दोस्तों कि ये ट्रैफिक लेडीज आखिर कौन सी एज में जॉब शुरू करती है? वेल, 16 ईयर के एज में ये एलिविजुअल बन जाती है ट्रैफिक हैंडल करने के लिए, मतलब स्पोर्ट्स के लिए। अब ये बस 10 साल का स्मॉल करियर है। और आपको बताते चले कि खूबसूरत होने के साथ साथ 5'6" की ये लेडीज़ होनी चाहिए। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये ट्रैफिक लेडीज़ का सिलेक्शन है या फिर होने वाली बहू का। ये जॉब सिर्फ 300 लेडीज़ ही हासिल कर पाती है, वो भी किंग जॉन उनकी मेहरबानी पर। पर जो भी है, ये काफ़ी यूजलेस जॉब है, क्योंकि जब सड़क पर गाड़ियां ही नहीं होगी तो ट्रैफिक लेडीज़ किस काम की। इनफैक्ट इन्होंने ट्रैफिक लाइट्स को भी रिप्लेस कर दिया है। 3, हेयर ड्रेसर। जी हाँ दोस्तों, जब हम हेयर ड्रेसर की बात करते हैं तो नॉर्थ कोरिया के हेयर ड्रेसर, क्योंकि कस्टमर यहाँ पर सिर्फ अपने स्टाइल को लेकर डिमांडिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, और कहते हैं ना कि भगवान सब देख रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में किंग जॉन की गवर्नमेंट सब देख रही है, यहाँ तक कि आपके हेयर स्टाइल से लेकर आपके बालों का लेंथ सब कुछ देखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ 28% हेयर स्टाइलिश अलाउड है, जहाँ 18 हेयर स्टाइलिश लेडीज़ के लिए और 10 मेल्स के लिए है, यानी कि लिटरली खुद के बालों पर ही खुद ही को लोगों का फ्रीडम नहीं है। इनके बालों के नियम वाकई काफ़ी ज़्यादा हटकर होने के साथ साथ सटके हुए भी होते हैं, जैसा कि सिर्फ अनमैरिड वुमेन यहाँ पर लंबे बाल रख सकती है, शादीशुदा औरत को यहाँ पर छोटे बाल रखना ही कंपलसरी है। और जब बात आती है नौजवानों की, तो उनके बाल सिर्फ 2 इंच लंबे होने चाहिए, और यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी ऐसे ही उनके रूल्स है, अगर उनके सर पर बाल है तो वो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। और सिर्फ यहाँ के हेयर स्टाइलर को कभी भी किंग जॉन उनके हेयर स्टाइल कॉपी करने का साहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद का उनका ट्रेडमार्क स्टाइल है। समझ लो, जिसने भी किंग जॉन के स्टाइल को कॉपी किया, समझ लो अगले दिन गया सीधा ऊपर। 4, राइस रिस्पेक्टेड। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किंग जॉन को सबसे खतरनाक बीमारी है, तो वो जॉन के पापा जो थे केम चॉम ची, ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट
कंट्रोलिव थे, वो हर चीज़ के बारे में एकदम पर्टिकुलर थे, एक एक चीज़ से लेकर एक एक दाने की वो खबर रखते थे, यहाँ तक कि चावल के दानों को भी वो नहीं छोड़ते थे। ये बात हमें किंग जोंग के फादर से ही पता चला है कि वो खाने के बारे में बहुत ज़्यादा चूजी थे, खासकर तो चावल को लेकर जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। जिसके बाद इस जॉब को भी प्रोवाइड किया गया। इस जॉब में आप चावल को बॉईल करने से पहले एक एक दाने अपने हाथों से रिस्पेक्ट करने होते थे, खराब और चिट दानों को अलग करके वो अच्छे दाने ही आगे कुक को पास करते थे। भला ऐसा भी कोई जॉब होता है, ये हमने कभी नहीं सुना और ये हम बिल्कुल नहीं जानना चाहते कि क्या हुआ होगा उस इंस्पेक्टर का अगर गलती से भी एक खराब चावल का दाना किंग जोंग के फादर के प्लेट में गई होगी। तो नंबर 5, एंटरटेनर्स। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों जब किंग जोंग की हो रही है तो हम आपको बताते चले कि इन्होंने एक और जॉब का निर्माण किया नॉर्थ कोरिया में, और वो था लाइफ ग्रुप एंटरटेनमेंट का, जहाँ सिर्फ खूबसूरत से खूबसूरत यंग लेडीज ही चुनी जाती थी। इनफैक्ट कैपिटल सिटी में भी एक हॉल होता था जहाँ पर किंग के आधार पर होता था, किसी भी वक्त इस शो को अनाउंस कर दिया जाता था अपने एलिगेंट ट्रांस मूव और सिंगिंग से, अपने सिंगिंग से ये सबको एंटरटेन करते थे। और जब किंग जोंग के फादर यहाँ से चल बसे, इस जॉब को भी रिमूव कर दिया गया। और ठीक अपने पापा की नक्सली कदम पर चलने वाले किंग जोंग ने भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक ग्रुप एंटरटेनमेंट रखा था। दोस्तों हम आपको क्या कहना ये परफेक्ट होगा कि जैसा बाप वैसा बेटा। नंबर 6, दोस्तों यहाँ पर इंस्पायर के हेयर ड्रेसेस से भी ज़्यादा बोरिंग और काफ़ी हद तक लिमिटेड भी है स्कोपी, और लिमिटेड से मतलब है हमारे सिर्फ 3 स्टैचूज, यहाँ सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 तरीके के स्टैचूज बना सकते हैं, और ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 3 कोई और नहीं बल्कि 3 प्रिंस है, खुद किंग जोंग, किम जोंग। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 3 स्टैटूज बनाकर ये अपना रोजी रोटी चलाते होंगे, राइट? पर हम आपको बता दें इनकी रोजी रोटी काफ़ी अच्छी चलती है क्योंकि नॉर्थ कोरिया में टोटल 34,000 स्टैचूज है जो कि सिर्फ इन्हीं के लीडर्स की शॉप, जहाँ किंग है वहाँ पर ये सब कुछ पॉसिबल है। और जब ये लोग इन स्टैचू से गुजरते हैं तो उन्हें कंपलसरी 3 बार स्टैचूज को वो करना ही पड़ता है, अपने लीडर के स्टैचूज की रिस्पेक्ट इनको करनी ही होती है, यहाँ तक कि टूरिस्ट को भी वो करना पड़ता है, नहीं करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं कि नॉर्थ कोरिया में आए हुए टूरिस्ट को सिर्फ एक ही फ्रीडम मिलती है, और वो है कि टूरिस्ट इन स्टैचूज का पिक्चर ले सकते हैं। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस दुनिया में हर शख्स की शरीर की बनावट, रंग रूप और आकार बिल्कुल अलग होता है, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के शरीर में कुछ ऐसे क्वालिटीज होती है जिनके जरिए वो पूरे विश्व में फेमस हो जाते हैं। आज के समय में फेमस होने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं, और ना जाने कितने तरीके की पब्लिसिटी स्टंट अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवान ने ये फेमस होने का वरदान दिया है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम पूरी दुनिया के कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में कोई ना कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर है। यदि आप सोच रहे हैं कि हम किसी तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इन लोगों के नाम सबसे बड़े अंग होने के नाम दर्ज है। कहने का मतलब ये है कि इन सभी के शरीर में कोई ऐसे अंग है जो आम लोगों के मुकाबले ज़्यादा विशाल है। तो चलिए अपने आज के हमारे इस वीडियो में हम बताते हैं दोस्त। हालांकि यदि आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं तो अगले शख्स का नाम सुनने से पहले आप अपने कान में ईयरफोन ज़रूर लगा लें। ये है इंग्लैंड के रहने वाले टॉमी, और इनके नाम सबसे बड़ा प्राइवेट पार्ट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। दोस्तों ये सुनकर आपके मन में भी ज़रूर उनके पार्ट का साइज जानने की इच्छा होगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें टॉमी के प्राइवेट पार्ट की लंबाई 14 इंच है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, 14 इंच। दोस्तों शायद ही आपने किसी वीडियो में आज तक 10 इंच
इंच से ज्यादा प्राइवेट पार्ट देखा होगा। टॉमी के प्राइवेट पार्ट का खुलासा एक टीवी शो के दौरान हुआ था और तभी उनके नाम सबसे लंबे प्राइवेट पार्ट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया। दोस्तों, उस शो का नाम और अन्य कंटेस्टेंट के बारे में तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, डॉक्टर्स के अनुसार एक महिला को रिलैक्स फील कराने के लिए 2 इंच लंबाई काफ़ी है। तो दोस्तों, इसीलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर करना ना भूले। साथ ही में सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इस दुनिया में हर शख्स की शरीर की बनावट, रंग रूप और आकार बिल्कुल अलग होता है, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के शरीर में कुछ ऐसे क्वालिटीज़ होती है जिनके ज़रिए वो पूरे विश्व में फेमस हो जाते हैं। आज के समय में फेमस होने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं और ना जाने कितने तरीके की पब्लिसिटी स्टंट अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवान ने ये फेमस होने का वरदान दिया है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम पूरी दुनिया के कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में कोई ना कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड ज़रूर है। यदि आप सोच रहे हैं कि हम किसी तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि इन लोगों के नाम सबसे बड़े अंग होने के नाम दर्ज है। कहने का मतलब ये है कि इन सभी के शरीर में कोई ऐसे अंग है जो आम लोगों के मुकाबले ज़्यादा विशाल है। तो चलिए अपने आज के हमारे इस वीडियो में हम बताते हैं। अक्सर महिलाएं हाथों को सुंदर बनाने के लिए अपने नाखून बढ़ाना पसंद करती है। कुछ महिलाओं पर बड़े नाखून सूट भी करते हैं और उन पर नेल आर्ट करा लिया जाए तो क्या ही कहना। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की एक ऐसी महिला और पुरुष से मिलाने वाले हैं जिनके नाम सबसे लंबे नाखून होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। इनके नाखूनों की लंबाई की बात करें तो एक समय पर ये 21 फीट लंबे हुआ करते थे। इस पुरुष का कहना है कि इन्होंने करीब 22 साल तक अपने नाखून नहीं काटे और वही महिला का कहना है कि इन्होंने आखिरी बार 30 वर्ष पहले अपने नाखून काटे थे। इन महिलाओं और पुरुष ने अपने अपने नाम सबसे लंबे नाखून होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो दर्ज करा लिया, लेकिन उसके बाद नाखूनों ने उनका साथ छोड़ दिया। दोस्तों, एक एक्सीडेंट के दौरान महिला के नाखून कट गए थे। हालांकि अच्छी बात यह है कि उस एक्सीडेंट में महिला को किसी प्रकार की चोट नहीं आई थी। वहीं पुरुष ने डॉक्टर्स के कहने पर अपने नाखून कटवाने का फैसला लिया था, क्योंकि लंबे नाखूनों के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी समस्याएं होनी शुरू हो गई थी। हालांकि इन दोनों ने अपने कटे हुए नाखून संभाल कर अपने पास ही रखे हुए हैं। हालांकि यदि आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं तो अगले शख्स का नाम सुनने से पहले आप अपने कान में ईयरफोन ज़रूर लगा लें। ये है इंग्लैंड के रहने वाले टॉमी और इनके नाम सबसे बड़ा प्राइवेट पार्ट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। दोस्तों, ये सुनकर आपके मन में भी ज़रूर उनके पार्ट का साइज जानने की इच्छा होगी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, टॉमी के प्राइवेट पार्ट की लंबाई 14 इंच है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 14 इंच। दोस्तों, शायद ही आपने किसी वीडियो में आज तक 10 इंच से ज़्यादा प्राइवेट पार्ट देखा होगा। टॉमी के प्राइवेट पार्ट का खुलासा एक टीवी शो के दौरान हुआ था और तभी उनके नाम सबसे लंबे प्राइवेट पार्ट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया। दोस्तों, उस शो का नाम और अन्य कंटेस्टेंट के बारे में तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, डॉक्टर्स के अनुसार एक महिला को रिलैक्स फील कराने के लिए 2 इंच लंबाई काफ़ी है। तो दोस्तों, इसीलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर करना ना भूले। साथ ही में सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इस दुनिया में हर शख्स की शरीर की बनावट, रंग रूप और आकार बिल्कुल अलग होता है, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के शरीर में कुछ ऐसे क्वालिटीज़ होती है जिनके ज़रिए वो पूरे विश्व में फेमस हो जाते हैं। आज के समय में फेमस होने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं और ना जाने कितने तरीके की पब्लिसिटी स्टंट अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवान ने ये फेमस होने का वरदान दिया है।
तो आज के हमारे इस वीडियो में हम पूरी दुनिया के कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में कोई ना कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर है। यदि आप सोच रहे हैं कि हम किसी तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि इन लोगों के नाम सबसे बड़े अंग होने के नाम दर्ज है। कहने का मतलब ये है कि इन सभी के शरीर में कोई ऐसे अंग है जो आम लोगों के मुकाबले ज्यादा विशाल है। तो चलिए अपने आज के हमारे इस वीडियो में हम बताते हैं दोस्त। हालांकि यदि आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, तो अगले शख्स का नाम सुनने से पहले आप अपने कान में ईयरफोन जरूर लगा लें। ये है इंग्लैंड के रहने वाले टॉमी और इनके नाम सबसे बड़ा प्राइवेट पार्ट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। दोस्तों ये सुनकर आपके मन में भी जरूर उनके पार्ट का साइज जानने की इच्छा होगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें, टॉमी के प्राइवेट पार्ट की लंबाई 14 इंच है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 14 इंच। दोस्तों शायद ही आपने किसी वीडियो में आज तक 10 इंच से ज्यादा प्राइवेट पार्ट देखा होगा। टॉमी के प्राइवेट पार्ट का खुलासा एक टीवी शो के दौरान हुआ था और तभी उनके नाम सबसे लंबे प्राइवेट पार्ट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया। दोस्तों उस शो का नाम और अन्य कंटेस्टेंट के बारे में तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, डॉक्टर्स के अनुसार एक महिला को रिलैक्स फील कराने के लिए 2 इंच लंबाई काफी है। बता दें अक्सर महिलाएं हाथों को सुंदर बनाने के लिए अपने नाखून बढ़ाना पसंद करती है। कुछ महिलाओं पर बड़े नाखून सूट भी करते हैं और उन पर नेल आर्ट करा लिया जाए तो क्या ही कहना। दोस्तों आज हम आपको दुनिया की एक ऐसी महिला और पुरुष से मिलाने वाले हैं जिनके नाम सबसे लंबे नाखून होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। इनके नाखूनों की लंबाई की बात करें तो एक समय पर ये 21 फीट लंबे हुआ करते थे। इस पुरुष का कहना है कि इन्होंने करीब 22 साल तक अपने नाखून नहीं काटे और वही महिला का कहना है कि इन्होंने आखिरी बार 30 वर्ष पहले अपने नाखून काटे थे। इन महिलाओं और पुरुष ने अपने अपने नाम सबसे लंबे नाखून होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो दर्ज करा लिया, लेकिन उसके बाद नाखूनों ने उनका साथ छोड़ दिया। दोस्तों एक एक्सीडेंट के दौरान महिला के नाखून कट गए थे। हालांकि अच्छी बात यह है कि उस एक्सीडेंट में महिला को किसी प्रकार की चोट नहीं आई थी। वहीं पुरुष ने डॉक्टर्स के कहने पर अपने नाखून कटवाने का फैसला लिया था, क्योंकि लंबे नाखूनों के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी समस्याएं होनी शुरू हो गई थी। हालांकि इन दोनों ने अपने कटे हुए नाखून संभाल कर अपने पास ही रखे हुए हैं। तो दोस्तों इसीलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वो शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इस दुनिया में हर शख्स की शरीर की बनावट, रंग रूप और आकार बिल्कुल अलग होता है, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के शरीर में कुछ ऐसे क्वालिटीज होती है जिनके जरिए वो पूरे विश्व में फेमस हो जाते हैं। आज के समय में फेमस होने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं और ना जाने कितने तरीके की पब्लिसिटी स्टंट अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवान ने ये फेमस होने का वरदान दिया है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम पूरी दुनिया के कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में कोई ना कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर है। यदि आप सोच रहे हैं कि हम किसी तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि इन लोगों के नाम सबसे बड़े अंग होने के नाम दर्ज है। कहने का मतलब ये है कि इन सभी के शरीर में कोई ऐसे अंग है जो आम लोगों के मुकाबले ज्यादा विशाल है। तो चलिए अपने आज के हमारे इस वीडियो में हम बताते हैं दोस्त। हालांकि यदि आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, तो अगले शख्स का नाम सुनने से पहले आप अपने कान में ईयरफोन जरूर लगा लें। ये है इंग्लैंड के रहने वाले टॉमी और इनके नाम सबसे बड़ा प्राइवेट पार्ट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। दोस्तों ये सुनकर आपके मन में भी जरूर उनके पार्ट का साइज जानने की इच्छा होगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें, टॉमी के प्राइवेट पार्ट की लंबाई 14 इंच है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 14 इंच। दोस्तों शायद ही आपने किसी वीडियो में आज तक 10 इंच से ज्यादा प्राइवेट पार्ट देखा होगा। टॉमी के प्राइवेट पार्ट का खुलासा एक टीवी शो के दौरान हुआ था और तभी उनके नाम सबसे लंबे प्राइवेट पार्ट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया। दोस्तों उस शो का नाम और अन्य कंटेस्टेंट के बारे में तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, डॉक्टर्स के अनुसार एक महिला को रिलैक्स
फिल कराने के लिए 2 इंच लंबाई काफ़ी है। तो वीडियो में दिखाई दे रहा है ये जो शख्स, ये आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? इनकी नाक आपको काफ़ी बड़ी और लंबी नज़र आ रही होगी। इन जनाब का नाम है जैक्स और ये टार्के के रहने वाले हैं। जेंट्स के नाम दुनिया के सबसे लंबी नाक होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। उनकी नाक 9 सेंटीमीटर लंबी है। जेंट्स का कहना है इस लंबी नाक का बहुत मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन उस समय ये बात नहीं जानते थे कि एक दिन वो अपनी लंबी नाक के कारण ये पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। आपको जानकर एक बात और हैरानी होगी कि जेम्स से जब वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने खुद सामने से संपर्क किया था, क्योंकि जेम्स नहीं जानते थे कि आखिर इस तरीके का भी कोई रिकॉर्ड होता है, तो इस तरीके के बिना कुछ किए ही जेम्स का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। बता दें अक्सर महिलाएं हाथों को सुंदर बनाने के लिए अपने नाखून बढ़ाना पसंद करती है। कुछ महिलाओं पर बड़े नाखून सूट भी करते हैं और उन पर नेल आर्ट करा लिया जाए तो क्या ही कहना। दोस्तों आज हम आपको दुनिया की एक ऐसी महिला और पुरुष से मिलाने वाले हैं जिनके नाम सबसे लंबे नाखून होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। इनके नाखूनों की लंबाई की बात करें तो एक समय पर ये 21 फीट लंबे हुआ करते थे। इस पुरुष का कहना है कि इन्होंने करीब 22 साल तक अपने नाखून नहीं काटे और वही महिला का कहना है कि इन्होंने आखिरी बार 30 वर्ष पहले अपने नाखून काटे थे। इन महिलाओं और पुरुष ने अपने अपने नाम सबसे लंबे नाखून होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो दर्ज करा लिया, लेकिन उसके बाद नाखूनों ने उनका साथ छोड़ दिया। दोस्तों एक एक्सीडेंट के दौरान महिला के नाखून कट गए थे। हालांकि अच्छी बात यह है कि उस एक्सीडेंट में महिला को किसी प्रकार की चोट नहीं आई थी। वहीं पुरुष ने डॉक्टर्स के कहने पर अपने नाखून कटवाने का फैसला लिया था, क्योंकि लंबे नाखूनों के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी समस्याएं होनी शुरू हो गई थी। हालांकि इन दोनों ने अपने कटे हुए नाखून संभाल कर अपने पास ही रखे हुए हैं। तो दोस्तों इसीलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वो शेयर करना ना भूले। साथ ही हमें सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इस दुनिया में हर शख्स की शरीर की बनावट, रंग रूप और आकार बिल्कुल अलग होता है, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के शरीर में कुछ ऐसे क्वालिटीज होती है जिनके जरिए वो पूरे विश्व में फेमस हो जाते हैं। आज के समय में फेमस होने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं और ना जाने कितने तरीके की पब्लिसिटी स्टंट अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवान ने ये फेमस होने का वरदान दिया है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम पूरी दुनिया के कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में कोई ना कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर है। यदि आप सोच रहे हैं कि हम किसी तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि इन लोगों के नाम सबसे बड़े अंग होने के नाम दर्ज है। कहने का मतलब ये है कि इन सभी के शरीर में कोई ऐसे अंग है जो आम लोगों के मुकाबले ज़्यादा विशाल है। तो चलिए अपने आज के हमारे इस वीडियो में हम बताते हैं। दोस्तों वीडियो में दिखाई दे रहा है ये जो शख्स, ये आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? इनकी नाक आपको काफ़ी बड़ी और लंबी नज़र आ रही होगी। इन जनाब का नाम है जैक्स और ये टार्के के रहने वाले हैं। जेंट्स के नाम दुनिया के सबसे लंबी नाक होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। उनकी नाक 9 सेंटीमीटर लंबी है। जेंट्स का कहना है इस लंबी नाक का बहुत मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन उस समय ये बात नहीं जानते थे कि एक दिन वो अपनी लंबी नाक के कारण ये पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। आपको जानकर एक बात और हैरानी होगी कि जेम्स से जब वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने खुद सामने से संपर्क किया था, क्योंकि जेम्स नहीं जानते थे कि आखिर इस तरीके का भी कोई रिकॉर्ड होता है, तो इस तरीके के बिना कुछ किए ही जेम्स का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वो शेयर करना ना भूले। साथ ही हमें सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इस दुनिया में हर शख्स की शरीर की बनावट, रंग रूप और आकार बिल्कुल अलग होता है, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के शरीर में कुछ ऐसे क्वालिटीज होती है जिनके जरिए वो पूरे विश्व में फेमस हो जाते हैं। आज के समय में फेमस होने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं और ना जाने कितने तरीके की पब्लिसिटी स्टंट
अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवान ने ये फेमस होने का वरदान दिया है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम पूरी दुनिया के कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में कोई ना कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर है। यदि आप सोच रहे हैं कि हम किसी तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि इन लोगों के नाम सबसे बड़े अंग होने के नाम दर्ज है। कहने का मतलब ये है कि इन सभी के शरीर में कोई ऐसे अंग है जो आम लोगों के मुकाबले ज़्यादा विशाल है। तो चलिए अपने आज के हमारे इस वीडियो में हम बताते हैं दोस्त। हालांकि यदि आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, तो अगले शख्स का नाम सुनने से पहले आप अपने कान में ईयरफोन जरूर लगा लें। ये है इंग्लैंड के रहने वाले टॉमी और इनके नाम सबसे बड़ा प्राइवेट पार्ट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। दोस्तों ये सुनकर आपके मन में भी ज़रूर उनके पार्ट का साइज जानने की इच्छा होगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें, टॉमी के प्राइवेट पार्ट की लंबाई 14 इंच है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 14 इंच। दोस्तों शायद ही आपने किसी वीडियो में आज तक 10 इंच से ज़्यादा प्राइवेट पार्ट देखा होगा। टॉमी के प्राइवेट पार्ट का खुलासा एक टीवी शो के दौरान हुआ था और तभी उनके नाम सबसे लंबे प्राइवेट पार्ट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया। दोस्तों उस शो का नाम और अन्य कंटेस्टेंट के बारे में तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, डॉक्टर्स के अनुसार एक महिला को रिलैक्स फील कराने के लिए 2 इंच लंबाई काफ़ी है। बता दें अक्सर महिलाएं हाथों को सुंदर बनाने के लिए अपने नाखून बढ़ाना पसंद करती है। कुछ महिलाओं पर बड़े नाखून सूट भी करते हैं और उन पर नेल आर्ट करा लिया जाए तो क्या ही कहना। दोस्तों आज हम आपको दुनिया की एक ऐसी महिला और पुरुष से मिलाने वाले हैं जिनके नाम सबसे लंबे नाखून होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। इनके नाखूनों की लंबाई की बात करें तो एक समय पर ये 21 फीट लंबे हुआ करते थे। इस पुरुष का कहना है कि इन्होंने करीब 22 साल तक अपने नाखून नहीं काटे और वही महिला का कहना है कि इन्होंने आखिरी बार 30 वर्ष पहले अपने नाखून काटे थे। इन महिलाओं और पुरुष ने अपने अपने नाम सबसे लंबे नाखून होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो दर्ज करा लिया, लेकिन उसके बाद नाखूनों ने उनका साथ छोड़ दिया। दोस्तों एक एक्सीडेंट के दौरान महिला के नाखून कट गए थे। हालांकि अच्छी बात यह है कि उस एक्सीडेंट में महिला को किसी प्रकार की चोट नहीं आई थी। वहीं पुरुष ने डॉक्टर्स के कहने पर अपने नाखून कटवाने का फैसला लिया था, क्योंकि लंबे नाखूनों के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी समस्याएं होनी शुरू हो गई थी। हालांकि इन दोनों ने अपने कटे हुए नाखून संभाल कर अपने पास ही रखे हुए हैं। तो वीडियो में दिखाई दे रहा है ये जो शख्स, ये आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? इनकी नाक आपको काफ़ी बड़ी और लंबी नज़र आ रही होगी। इन जनाब का नाम है जैक्स और ये टार्के के रहने वाले हैं। जेंस के नाम दुनिया के सबसे लंबी नाक होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। उनकी नाक 9 सेंटीमीटर लंबी है। जेंस का कहना है इस लंबी नाक का बहुत मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन उस समय ये बात नहीं जानते थे कि एक दिन वो अपनी लंबी नाक के कारण ये पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। आपको जानकर एक बात और हैरानी होगी कि जेम्स से जब वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने खुद सामने से संपर्क किया था, क्योंकि जेम्स नहीं जानते थे कि आखिर इस तरीके का भी कोई रिकॉर्ड होता है, तो इस तरीके के बिना कुछ किए ही जेम्स का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। तो दोस्तों इसीलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वो शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इस दुनिया में हर शख्स की शरीर की बनावट, रंग रूप और आकार बिल्कुल अलग होता है, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के शरीर में कुछ ऐसे क्वालिटीज़ होती है जिनके ज़रिए वो पूरे विश्व में फेमस हो जाते हैं। आज के समय में फेमस होने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं और ना जाने कितने तरीके की पब्लिसिटी स्टंट अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवान ने ये फेमस होने का वरदान दिया है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम पूरी दुनिया के कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में कोई ना कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर है। यदि आप सोच रहे हैं कि हम किसी तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि इन लोगों के नाम सबसे बड़े अंग होने के नाम दर्ज है। कहने का मतलब ये है कि इन सभी के शरीर में कोई ऐसे अंग है जो आम लोगों के मुकाबले ज़्यादा विशाल है।
तो चलिए अपने आज के हमारे इस वीडियो में हम बताते हैं। दोस्तों, वीडियो में दिखाई दे रहा है ये जो शख्स, ये आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? इनकी नाक आपको काफ़ी बड़ी और लंबी नज़र आ रही होगी। इन जनाब का नाम है जैक्स और ये टार्की के रहने वाले हैं। जेंट्स के नाम दुनिया के सबसे लंबी नाक होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। उनकी नाक 9 सेंटीमीटर लंबी है। जेंट्स का कहना है, लंबी नाक का बहुत मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन उस समय ये बात नहीं जानते थे कि एक दिन वो अपनी लंबी नाक के कारण ये पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। आपको जानकर एक बात और हैरानी होगी कि जेम्स से जब वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने खुद सामने से संपर्क किया था, क्योंकि जेम्स नहीं जानते थे कि आखिर इस तरीके का भी कोई रिकॉर्ड होता है, तो इस तरीके के बिना कुछ किए ही जेम्स का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। नंबर 2, दोस्तों हम आपको बता दें, अक्सर महिलाएं हाथों को सुंदर बनाने के लिए अपने नाखून बढ़ाना पसंद करती है। कुछ महिलाओं पर बड़े नाखून सूट भी करते हैं और उन पर नेल आर्ट करा लिया जाए तो क्या ही कहना। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की एक ऐसी महिला और पुरुष से मिलाने वाले हैं जिनके नाम सबसे लंबे नाखून होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। इनके नाखूनों की लंबाई की बात करें तो एक समय पर ये 21 फीट लंबे हुआ करते थे। इस पुरुष का कहना है कि इन्होंने करीब 22 साल तक अपने नाखून नहीं काटे और वही महिला का कहना है कि इन्होंने आखिरी बार 30 वर्ष पहले अपने नाखून काटे थे। इन महिलाओं और पुरुष ने अपने अपने नाम सबसे लंबे नाखून होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो दर्ज करा लिया, लेकिन उसके बाद नाखूनों ने उनका साथ छोड़ दिया। दोस्तों, एक एक्सीडेंट के दौरान महिला के नाखून कट गए थे। हालांकि अच्छी बात यह है कि उस एक्सीडेंट में महिला को किसी प्रकार की चोट नहीं आई थी। वहीं पुरुष ने डॉक्टर्स के कहने पर अपने नाखून कटवाने का फैसला लिया था, क्योंकि लंबे नाखूनों के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी समस्याएं होनी शुरू हो गई थी। हालांकि इन दोनों ने अपने कटे हुए नाखून संभाल कर अपने पास ही रखे हुए हैं। हालांकि यदि आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं तो अगले शख्स का नाम सुनने से पहले आप अपने कान में ईयरफोन ज़रूर लगा लें। ये है इंग्लैंड के रहने वाले टॉमी और इनके नाम सबसे बड़ा प्राइवेट पार्ट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। दोस्तों, ये सुनकर आपके मन में भी ज़रूर उनके पार्ट का साइज जानने की इच्छा होगी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, टॉमी के प्राइवेट पार्ट की लंबाई 14 इंच है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 14 इंच। दोस्तों, शायद ही आपने किसी वीडियो में आज तक 10 इंच से ज़्यादा प्राइवेट पार्ट देखा होगा। टॉमी के प्राइवेट पार्ट का खुलासा एक टीवी शो के दौरान हुआ था और तभी उनके नाम सबसे लंबे प्राइवेट पार्ट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया। दोस्तों, उस शो का नाम और अन्य कंटेस्टेंट के बारे में तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, डॉक्टर्स के अनुसार एक महिला को रिलैक्स फील कराने के लिए 2 इंच लंबाई काफ़ी है। तो दोस्तों, इसीलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वो शेयर करना ना भूले। साथ ही हमें सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इस दुनिया में हर शख्स की शरीर की बनावट, रंग रूप और आकार बिल्कुल अलग होता है, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के शरीर में कुछ ऐसे क्वालिटीज़ होती है जिनके ज़रिए वो पूरे विश्व में फेमस हो जाते हैं। आज के समय में फेमस होने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं और ना जाने कितने तरीके की पब्लिसिटी स्टंट अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवान ने ये फेमस होने का वरदान दिया है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम पूरी दुनिया के कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में कोई ना कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड ज़रूर है। यदि आप सोच रहे हैं कि हम किसी तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि इन लोगों के नाम सबसे बड़े अंग होने के नाम दर्ज है। कहने का मतलब ये है कि इन सभी के शरीर में कोई ऐसे अंग है जो आम लोगों के मुकाबले ज़्यादा विशाल है। तो चलिए अपने आज के हमारे इस वीडियो में हम बताते हैं। अक्सर महिलाएं हाथों को सुंदर बनाने के लिए अपने नाखून बढ़ाना पसंद करती है। कुछ महिलाओं पर बड़े नाखून सूट भी करते हैं और उन पर नेल आर्ट करा लिया जाए तो क्या ही कहना।
दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की एक ऐसी महिला और पुरुष से मिलाने वाले हैं जिनके नाम सबसे लंबे नाखून होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। इनके नाखूनों की लंबाई की बात करें तो एक समय पर ये 21 फीट लंबे हुआ करते थे। इस पुरुष का कहना है कि इन्होंने करीब 22 साल तक अपने नाखून नहीं काटे, और वही महिला का कहना है कि इन्होंने आखिरी बार 30 वर्ष पहले अपने नाखून काटे थे। इन महिलाओं और पुरुष ने अपने अपने नाम सबसे लंबे नाखून होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो दर्ज करा लिया, लेकिन उसके बाद नाखूनों ने उनका साथ छोड़ दिया। दोस्तों, एक एक्सीडेंट के दौरान महिला के नाखून कट गए थे। हालांकि अच्छी बात यह है कि उस एक्सीडेंट में महिला को किसी प्रकार की चोट नहीं आई थी। वहीं पुरुष ने डॉक्टर्स के कहने पर अपने नाखून कटवाने का फैसला लिया था, क्योंकि लंबे नाखूनों के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी समस्याएं होनी शुरू हो गई थी। हालांकि इन दोनों ने अपने कटे हुए नाखून संभाल कर अपने पास ही रखे हुए हैं। हालांकि यदि आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं तो अगले शख्स का नाम सुनने से पहले आप अपने कान में ईयरफोन ज़रूर लगा लें। ये है इंग्लैंड के रहने वाले टॉमी, और इनके नाम सबसे बड़ा प्राइवेट पार्ट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। दोस्तों, ये सुनकर आपके मन में भी ज़रूर उनके पार्ट का साइज जानने की इच्छा होगी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, टॉमी के प्राइवेट पार्ट की लंबाई 14 इंच है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 14 इंच। दोस्तों, शायद ही आपने किसी वीडियो में आज तक 10 इंच से ज़्यादा प्राइवेट पार्ट देखा होगा। टॉमी के प्राइवेट पार्ट का खुलासा एक टीवी शो के दौरान हुआ था, और तभी उनके नाम सबसे लंबे प्राइवेट पार्ट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया। दोस्तों, उस शो का नाम और अन्य कंटेस्टेंट के बारे में तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, डॉक्टर्स के अनुसार एक महिला को रिलैक्स फील कराने के लिए 2 इंच लंबाई काफ़ी है। दोस्तों, वीडियो में दिखाई दे रहा है ये जो शख्स, ये आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? इनकी नाक आपको काफ़ी बड़ी और लंबी नज़र आ रही होगी। इन जनाब का नाम है जैक्स, और ये टार्के के रहने वाले हैं। जेंस के नाम दुनिया के सबसे लंबी नाक होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। उनकी नाक 9 सेंटीमीटर लंबी है। जेंस का कहना है, इस लंबी नाक का बहुत मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन उस समय ये बात नहीं जानते थे कि एक दिन वो अपनी लंबी नाक के कारण ये पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। आपको जानकर एक बात और हैरानी होगी कि जेम्स से जब वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने खुद सामने से संपर्क किया था, क्योंकि जेम्स नहीं जानते थे कि आखिर इस तरीके का भी कोई रिकॉर्ड होता है, तो इस तरीके के बिना कुछ किए ही जेम्स का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। तो दोस्तों, इसीलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वो शेयर करना ना भूले। साथ ही में सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बारे में अगर हम बात करें तो हम आपको बता दें कि ऐसा देश जो किसी और चीज़ के लिए फेमस हो या फिर ना हो, लेकिन वो अपने अजीबोगरीब नियम और कानून के वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि यहाँ का शाना ताए है, जिसे हर एक चीज़ अपने हिसाब से करने की एक अलग ही लत लगी हुई है। अब जाहिर सी बात है, जो इंसान अपने देश को इतने सारे नियम कानून लगाता है, वो अपनी बीबी को तो छोड़ेगा नहीं, और यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किंग जोन को बहुत सारे रूल्स ऐसे फॉलो करने पड़ते हैं जिसके बारे में कोई साधारण महिला सोच भी नहीं सकती है। तो वो नियम क्या है और किस तरीके की पाबंदियाँ किंग जोंग ने अपनी बीबी को दिया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे चलने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियोस मिस ना हो। दोस्तों, वैसे तो शादी के बाद महिला का अपना सरनेम चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि कई सारी महिलाएं ऐसे करती भी नहीं है, लेकिन जब बात एक नशाई की आती है तो हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर सिर्फ सरनेम ही नहीं बल्कि री सिलजो का पूरा नाम ही बदल दिया गया था।
और यहाँ पर किसी को नहीं पता था कि इनका पहला नाम क्या था। और इस बात को रहस्य रखने के लिए किंग जोंग ने अपनी बीबी का सारा पुराना डेटा यहाँ से मिटा दिया है या फिर अपने पास रख लिया है, ताकि दुनिया उनको किंग की बीबी और इस सरजू के नाम से जाने। किंग बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि वो कोई उनकी बीबी की शादी से पहले वाली जिंदगी से उनके बारे में बात करें। तो आज के हमारे ये वीडियो सिर्फ यहीं तक थी। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों नॉर्थ कोरिया के बारे में अगर हम बात करें तो हम आपको बता दें कि ऐसा देश जो किसी और चीज़ के लिए फेमस हो या फिर ना हो, लेकिन वो अपने अजीबोगरीब नियम और कानून के वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि यहाँ का शाना ताई है, जिसे हर एक चीज़ अपने हिसाब से करने की एक अलग ही लत लगी हुई है। अब जाहिर सी बात है, जो इंसान अपने देश को इतने सारे नियम कानून लगाता है वो अपनी बीबी को तो छोड़ेगा नहीं, और यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किंग जोंग को बहुत सारे रूल्स ऐसे फॉलो करने पड़ते हैं जिसके बारे में कोई साधारण महिला सोच भी नहीं सकती है। तो वो नियम क्या है और किस तरीके की पाबंदियाँ किंग जोंग ने अपनी बीबी को दिया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे चलने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियोस मिस ना हो। दोस्तों वैसे तो शादी के बाद महिला का अपना सरनेम चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि कई सारी महिलाएं ऐसे करती भी नहीं है, लेकिन जब बात एक नशाई की आती है तो हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर सिर्फ सरनेम ही नहीं बल्कि री सिलजो का पूरा नाम ही बदल दिया गया था। और यहाँ पर किसी को नहीं पता था कि इनका पहला नाम क्या था, और इस बात को रहस्य रखने के लिए किंग जोंग ने अपनी बीबी का सारा पुराना डेटा यहाँ से मिटा दिया है या फिर अपने पास रख लिया है, ताकि दुनिया उनको किंग की बीबी और इस सरजू के नाम से जाने। किंग बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि वो कोई उनकी बीबी की शादी से पहले वाली ज़िंदगी से उनके बारे में बात करें। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों को ये तक नहीं पता है कि किंग की बीबी का घर कहाँ था, वो शादी से पहले क्या करती थी, यानी कि किंग ने अपनी बीबी की पुरानी ज़िंदगी इतिहास के पन्नों से फाड़ कर फेंक दिया है। प्रेगनेंसी, दोस्तों हमारे देश में जब भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी के यहाँ से प्रेगनेंसी की न्यूज़ आती है तब उसके घर में सबको पता चल ही जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर सबको पता चल जाता है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में ऐसा कोई भी हिसाब किताब नहीं है, वहाँ पर ही सुरजू को अधिक से अधिक लोगों के नज़रों से दूर रखा जाता था। जी हाँ दोस्तों, खासकर तो प्रेगनेंसी के टाइम पर, इसीलिए किसी को इस बात का कोई अंदाज़ा भी नहीं है कि री सुरजू कितनी बार प्रेगनेंट हुई है, यहाँ तक कि उनके कितने बच्चे हैं ये भी किसी को नहीं पता। तभी तो लोगों को सिर्फ इसी बात का शक है कि किंग उनके वाइफ की एक बेटी है जिनका नाम जुए है। इसके अलावा भी दो और बच्चे होने की बात कही जाती है, लेकिन दोस्तों उनके नाम और जेंडर के बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है। मॉर्निंग, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि री सिरजू को अधिकतर लोगों की नजरों से बचाया गया है। जब बात ऑफिशियल वॉको की आती है, जहाँ पर री सिरजू का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, वहाँ पर यह जरूर होती है। दोस्तों आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में री सिरजू एक अच्छी ज़िंदगी जी रही है, किसी को नहीं मानते हैं। दोस्तों आज के हमारे ये वीडियो सिर्फ यहीं तक थी। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के थर्ड क्लास जॉब्स के बारे में। आप सभी को बता दें, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जिसके डिक्शनरी में फ्रीडम शब्द का अता पता ही नहीं है, और डिक्शनरी में उनका कोई भी फ्रीडम शब्द से लेना देना नहीं है। यहाँ पर खुद की जॉब सेलेक्ट करना भी लोगों के हाथ में नहीं है, ये फ्रीडम भी नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट उनसे छीन लेती है। 16 साल की उम्र में ही इनको जॉब्स
प्रोवाइड करा दिया जाता है और उनको असाइनमेंट दे दिया जाता है और बिना कुछ कहे इनको नानुकुर किए ये जॉब करना ही पड़ता है। यहाँ पर शॉकिंग किंग जॉन भाई ट्रैफिक लाइट्स के लिए भी ट्रैफिक लेडीज से करेक्ट कर रखा है क्योंकि हरियाली आखिर किसको पसंद। तो दोस्तों और समय नहीं गंवाते हूँ और सीधा वीडियो के टाइटल पर आ जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे यूजलेस जॉब के बारे में बात करेंगे और वो नॉर्थ कोरिया में एग्जिट करते हैं। नंबर 1 स्टोन लेडी। अब दोस्तों क्या आपने कभी भी किसी को पत्थर पॉलिश करते हुए देखा है? जूता पॉलिश तो आपने ऑफ कोर्स सुना होगा लेकिन पत्थर पॉलिश ये क्या है? लेकिन नॉर्थ कोरिया के कुछ अलग ही तौर तरीके और मान्यता है और हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता अगर ये वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। 2010 में इस लेडीज को रिपोर्टर के मुताबिक जब इनसे बातचीत किया गया तो इन्होंने बताया कि ये एक जॉब करती है जो कि एक स्टोन पॉलिश का है। रोजी रोटी के लिए लोगों को ना जाने क्या क्या करना पड़ता है और साथ ही नॉर्थ कोरिया ये भी नहीं चाहता है कि बाहर के लोगों को ये सच्चाई पता चले। तो दोस्तों हम आपको बताते चले आजकल के दौर में अब लेडीज का दौर आ चुका है। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे काम जो स्त्रियों को शादीशुदा जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों ऐसे फैम को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे वीडियो के एंड तक। दोस्तों आपने अपने हस्बैंड या अपने फ्रेंड के घरों में देखा ही होगा कि कई स्त्रियां शादी के समय या फिर किसी भी समय अपने घर के द्वार पर बैठ जाती हैं। वहां बैठकर वो गप्पे लड़ाती हैं, बातें करती हैं या फिर वहां पर बैठकर भोजन करती हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार किसी भी स्त्री को अपने घर के मुख्य द्वार पर बैठकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अंत में अपने मुख्य द्वार पर बैठना ही नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पर सीधे माता लक्ष्मी प्रवेश करती है और क्योंकि स्त्री वहाँ पर बैठ जाती है तो वहाँ पर माता लक्ष्मी का घर पर प्रवेश करने से निराकार करती है। अर्थात हम आपको बता दें कि जिसे बिल्कुल अशुभ माना जाता है और हम आपको बता दें कि प्रत्येक स्त्री को अपने घर के द्वार के साथ नहीं बैठना चाहिए, वहाँ पर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए क्योंकि भगवान से जुड़ी कुछ चीज़ें रखनी चाहिए जैसे कि गेंदे के फूल और अपने घर के मुख्य द्वार पर सजाना चाहिए। दोस्तों आपका क्या कहना है हमारे इस फैक्ट के बारे में जानने के बाद अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।